बदकिस्मती यहाँ जम्मू कश्मीर के खासकर मुसलमानों की ये है कि जब मुसलमानों की टारगेट किलिंग होती है तो मुसलमानों की चर्चा नहीं होती दिल्ली में। मिश्रा जी जवाब दीजिए इस पॉइंट पर जरा। नहीं देखिए, दो चीजें हैं, जो टेररिस्ट हैं उनका क्लियर कहना है कि ये जिहाद है और जिहाद का एक जिहादी पॉलिटिकल विंग होता है, वो अपने हिसाब से एकदम क्लियर है कि हमें क्या करना है, घाटी से हिंदुओं को भगाना है। यही रीजन है, इनसे पूछिए कि घाटी से कौन भागे, हिंदू भागे हैं कि मुसलमान भागे हैं, और कितने हिंदू भागे हैं और कितने मुसलमान भागे हैं, इसका भी डाटा इनसे ले लीजिए। ये क्यों इस चीज को छुपाना चाहते हैं या क्या एंगल देना चाहते हैं, जबकि टेररिस्ट एकदम क्लियर है अपने मकसद को लेके, अपने आइडियोलॉजी को लेके। दूसरी इनकी एक पीड़ा मुझे ये समझ में आ रही है, बोलते साहब कोई मुसलमान मर जाता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। अरे पूरा देश चर्चा करता है। और एक काउंटर सवाल इनसे मैं पूछता हूं, मुसलमान जब वहां मरते थे जैसे बुरहान वानी, लाखों लोग जनाजे में शामिल होते थे और उसको शहीद का दर्जा अपना क्या क्या नारे दिए जाते थे, इनसे पूछिए कितने आतंकवादी मरे हैं जो जनाजे निकलते थे उसमें कौन शामिल होता था, और इतने हिंदू मरे हैं उनके जनाजे में या अंतिम संस्कार में कभी ऐसी भीड़ लगी है? ये गए हैं कभी नेता लोग? ठीक है, इसी सवाल